एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खसूसी खबर। PSP पोस्ट हम लोग दे रहे CM साहब और हैदराबाद जुबलीज में अच्छा प्लाट दे रहे, हमारा ईशा सिंह को भी प्लाट दे रहे, दोनों को भी दो दो करोड़ का पैसे दिया। जब अब कॉमनवेल्थ में आया और उसको भी हमारा CM साहब कम नहीं करते, बहुत बड़ा दिल वाला है, ऐसा अच्छा चीज़ों को और अच्छा अच्छा भी हमारा CM साहब करता, तेलंगाना का नाम लाए सब लोगों को और अच्छा करते। जो आदमी कामयाब हो रहा उसको तो दे रहे हैं, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका क्या फैसिलिटी, स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रहा है, स्पोर्ट्स से क्रिकेट और जो है तो रनिंग वगैरह जो पहले होता था नागपुर से स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स लाना बोल के अपकमिंग CM साहब और मगर इतना बड़े देश को क्यों नहीं आ रहा। तेलंगाना का जैसा मदद इंडिया में भी स्पोर्ट्समैन को एंकरेज करे तो और अच्छा आता। हमारा KCR साहब हर एक गांव में भी क्रीड़ा मैदान रहना बोल के वो कोशिश कर रहे, कम से कम 2500 का ग्राउंड्स भी कंप्लीट हो गया। आगे दिन में देश को क्रीड़ा कोणों को तेलंगाना से हम लोग देते अच्छा नाम लाने के लिए हमारा KCR साहब का गवर्नमेंट सपोर्ट रहता। ये इतना अच्छा काम करे सो हमारा मुजीब हुसैन को मैं शुक्रिया, क्या बोलते शुक्रिया, शुभकामनाएं बोलते इससे पहले इससे ज्यादा हमारा सीमा को हमारा बहन सीमा को हम लोग स्पॉन्सर का श्री सैयद अरीफ अजीज, श्री मकफूर बुखारी, सोहेल अहमद, रोहित रेड्डी, सैयद अहमद धर्मानी। आपकी तरफ से जो पार्टी की चेक अनाउंस करे थे वो आपके बारे में जी, पार्टी की तरफ से जो चेक जो अनाउंस करे थे जो चेक दिए उसके बारे में तुम मुंडू मंडी में चेक कितने का दिए प्रभुत्व नुंचि वो अलग अलग रूट में बोलते। आज ये प्रोग्राम रखा गया, इसका मकसद हमारे हिंदुस्तान के और तेलंगाना के जो बच्चे हैं निखत जरीन, उस्मुद्दीन साहब और ईशा सिंह, ये तीन लोग भी आप लोग देखे परसों कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के लिए तेलंगाना के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कभी भी जो हमारी जिम्मेदारी है सरकारी मुलाजिमत के अलावा भी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे दोस्त डेस्टिनी ग्रुप के MD साहब अहमद धर्मानी साहब, सोहेल साहब और रोहित रेड्डी साहब, अहमद धर्मानी साहब, सैयद आरिफ अजीज साहब और मकफूर अहमद साहब भी इसमें माली इमदाद किए, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 7 लाख रुपये आज इन लोग को दिया गया। ये बहुत छोटी रकम है, इनके लिए और भी करना है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में भी तेलंगाना NGOs यूनियन हमेशा इनके साथ है, जो भी ज़रूरतमंद है ज़रूरतमंद के साथ है। बहरहाल मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारा हर प्रोग्राम आप लोग कवर कर कर तेलंगाना के रियायत तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय तेलंगाना। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.